बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम के टू टेलीविजन और के टू टेलीविजन की डेडी और जनाब तुसा ईदी दी खुशियां बू बू मुबारक होन। बड़ी ईद और बड़ी ईद खुशियां दी भी होंदी है ते नाल जनाब कुरबानी दी खुशियां होंदियां। अल्लाह ताला कदे सादत बख्शी है कुरबानी दी ते तुसा उसदी भी मुबारक होवे और जनाब इसदी भी मुबारक होवे कि तुसा मुस्तहकीन तक वो गोशत भी जरूर पहुँचाया उसकी। सो पता जी डेडी प्रोग्राम तुसां दा अपना और तुसां दा पसंदीदा प्रोग्राम है। साड़ी कोशिश होंदी है कि असी किसी नवीं नवीं जाई जुल के ते डेडी तुसां वास्ते तैयार कराँ और डेडी तुसां वास्ते असी पेश करा। अज असी जिथे मौजूद हाँ हरिपुरे जी और हरिपुर का जबरदस्त किस्म का इलाका असी डींडा रोड भी सखते हैं और डी एच क्यू अस्पताल बल्कि शहर के अंदर असी मौजूद हाँ। इतों डेडी तुसां वास्ते कहन के हाज़र होए हैं। ईद तुसां कल मनाई है, अज ईदी का दूआ दिहाड़ा है। यकीनन जनाब तुसां ईद अच्छी तुसां दी गुजरी होसी। साड़ी कोशिश है कि ईदी का यह दिहाड़ा, ईदी का उस आने वाला अगला दिहाड़ा, फिर बाकी जितने भी दिहाड़े हैं ईदी के, सात दिहाड़े ईद होंदी है ना, ये सारे तुसां दे मज़े दे गुजरन। और के टू टैलीविजन के अच्छे अच्छे प्रोग्राम तुसीं देखते हो ते डेडी ते जाहिर है तुसीं असां पसंद भी करते हो ते देखते भी आओ। पाकिस्तान भेजो तुसीं, पाकिस्तान तो बाहर हो, जिथे किरे भी आओ जनाब, ईदी दियां खुशियां तुसां बूं बूं मुबारक होवन। और खास तौर पर साढ़े परदेसी भरा जिहड़े मौजूद हन, अरब ममालिक में मौजूद हैं, यूरोप में मौजूद हैं, अमरीके में मौजूद हैं, जापान वाले पासे हैं, तुसीं पूरी दुनिया में असां देखते हो ते जिथे किरे आओ जनाब, ईदी दियां खुशियां मुबारक होवन। वैसे इंसान की ख्वाहिश भी होंदी है, कोशिश भी होंदी है कि ईद अपने कोल कीती जुले, लेकिन जांदा लॉकडाउन शुरू होया ते तुसा जनाब निकी ईद भी बाहर गुजारी, उस तो बाद दूई ईद भी तुसा बाहर आ गई। खैर अल्लाह करसी कि ये हालात भी ना रह सन और अगे अच्छे हालात आ सन, क्योंकि मुस्तकबिल हमेशा अच्छा आंदा और अल्लाह की मेहरबानी होंदी है ते तुसी अपने प्यारे बच्चे आसो। लेकिन साड़ी कोशिश है कि तुसी जिथे किरे भी आओ, हिंद को बोलने वाले लोग हो, सराइकी बोलने वाले लोग हो, तुसी जनाब पोठवारी बोलने वाले लोग हो, पंजाबी, जिड़ी भी जबान मेरी जबान कदे तुसा समझ आती है ते असी तुसा जनाब इसी ईदी बिच प्याल भी करने हैं और इसी ईदी में तुसा असी बिल्कुल इस तरह महसूस तुसा हो सी कि तुसी अपने घर बैठे दे हो, अपने लोगों में बैठे दे हो। इस सारे लोग साढ़े को मौजूद हैं ते जनाब इन्हां नाल गलकत कर सां, लेकिन तुसां पहले दसां कि ईद जाहिर है साड़ी डेडी दी टीम होंदी है, वह सफ़र करती है ते उस टीम का तारफ जरूरी होंदा है। साढ़े स्वाति मामा साढ़े नाल मौजूद हैं जी माशाल्लाह, ते खास तौर पर नूर इन्हां ते आंदा होंदा है रोज़ियां तो बाद, लेकिन इस बड़ी ईद ते भी आ रहे हैं माशाल्लाह जी। भोला नहीं, लेकिन भोले दियां गल्लां जरा बाद में कर सां क्योंकि अक्सर लेट ही उजलदा है जनाब। अज ईद दी डेडी और ईद उत्ते असां सिंगर भी एजा बुलाया कि जिसां तुसीं सुनना भी चाहते हो और जिहड़ा बंदा ना सिर्फ आवाज़ अच्छी है बाकी भी माशाल्लाह जबरदस्त आदमी है, खूबसूरत आदमी और परफॉर्म भी बड़ा अच्छा करता है, मुनीर आवान अज साडे नाल होसन। इन्हां कोलों गीत माइए तुसां सुणासां। साडी कैमरा टीम जी, साडे सीनियर कैमरामैन गुलाम नूरानी साडे नाल मौजूद हन, एले अनमोल साडे नाल मौजूद हन और मुदस्सर अजीज साडे नाल मौजूद हन। डी एस एन जी इंजीनियर जी साढ़े तहसीन उल्फत इस वेले डी एस एन जी पे बैठे थे, तुसां वास्ते एडेडी जनाब तैयार पे कर दें जी, तुसां वास्ते असी पेश कर सां। साडा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मुश्ताक चाचा जनाब असां दी टीम है इस्लामाबाद तो कहन के आए, अज सारी टीम इत्थे मौजूद है और आप इत्थे मौजूद हन। असां नाल खसूसी जिहड़ा तावन कीता जी दी रेजिडेंसी जिथे असी मौजूद हाँ और इन्हां दा एक पैगाम मैं तुसां तक पहुँचाना। आखदे जी डॉक्टर वेलास हाउस नंबर 4 डी एच क्यू हॉस्पिटल रोड हरिपुर, TMA हरिपुर से मंजूरशुदा, 2 बेडरूम्स और 3 बेडरूम्स के साथ, 3 बेडरूम्स अपार्टमेंट कीमत सिर्फ 75 लाख, 2 बेडरूम अपार्टमेंट कीमत सिर्फ 55 लाख, 30% एडवांस बुकिंग के साथ, हर 6 महीने के बाद 20% और 10% पोजेशन पर, लिफ्ट और कुशादा पार्किंग, मैन बाज़ार हरिपुर, पार्क्स, सब्ज़ी मंडी, DHQ हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब। आपके ख्वाबों की ताबीर डॉक्टर विलास दी रेजिडेंसी DHQ रोड हरिपुर। ए दी रेजिडेंसी जनाब एक प्रोजेक्ट फ्लैट से बढ़ा देन पे, पहले भी ना एक डॉक्टर विलास बढ़ाया, हूँ वो फ्लैट बढ़ा के लोगों दे सन। साड़ी डेडियाँ मुनक्कद कराने बिच इन्हां दा मेन किरदार है, असी इन्हां दा शुक्रिया अदा करने हैं कि इन्हां अज डेडियाँ इत्थे बुलाया ते ये चीज़ा बाकी तो होंगे रहा। सुन मेरा ख्याल डेडी पे गलकत शुरू करा ते गलकत में शुरू करना होना अपने स्वाति मामा को। स्वाति मामा क्या हाल है? माशाल्लाह सारे ने गल सुनो, अपने अपने फरो सुनो तो अदा किए ने
यारह दोस्तों की महफल है जबरदस्त ईदी की खुशी पे दोस्तों का इकट्ठ है और तुसा दसा कि दो चार गल्लां मैं अपनी शायरी में भी करना होना जी जी इतने हैरीपोर्ट की अज करीम आई हुई तुसा दी गल्लां अगे बदसा लेकिन निकी जी ब्रेक किन्ने ब्रेक तो बाद हाजिर होने नाजरीन एक निकी जी ब्रेक और ब्रेक तो बाद खिदमत फिर हाजिर होने जी जनाब ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसा इस खास डेडी बच्चों रीदी की खास डेडी बच्चे हरकत दे आखने जी हरिपुर में बैठे दे हरिपुर शहर में बैठे दे मौसम सा पता है कि महीना हो जनाब सतवा होने तो जाहिर अठवा शुरू हो गया बहरहाल सतवें अठवें बच्चे जरा गर्मी हरिपुर में आती है रात है लेकिन उसके बावजूद गर्मी है लेकिन तुसा असं डेडी करने हैं जी कोई गर्मी महसूस नहीं होती स्वाति मामे नाल मैं गल करना है लेकिन कुछ ना रह गए उन्होंने ना भी जनाब शामिल करके ना असा नाल ड्रोन कैमरे तो सुन जी आरएफ स्टूडियोज तो मुहम्मद आरिफ साहब मेहरबानी आरिफ साहब सा और साढ़े ना जब साउंड सिस्टम हमेशा सफ़र करता है तो अज भी मौजूद हैं यासिर इस्लाम गुजर हैं अवामी साउंड एबटाबाद ना ताल्लुक है और मेरे नाल एक जनाब को होस्ट भी अज बैठे दिन पता नहीं उन्हें गल कर सन या नहीं करन लगे लेकिन जी सैयद आजान अवैस मेरे नाल बैठे दिन और आखिर तक मेरे नाल बहसन कदे इन्हों की हिम्मत हुई तो आप बैठे सैयद अजान वकास ना ना इन्हों का जी हिंदको तो नहीं बोल लगते उर्दू इन्हों बोल सा हाले साढ़े को माइक नहीं बाद बेचने गल कर सा तो जी स्वाति मामा तुम गल करते हो पे ईदी की गोश शोश खाता है अल्लाह शुक्र है जी शुक्र अलहमदुल्ला तो मैं प्यार से करना है कि मुंड तो माशाल्लाह तुमने बूसोरा बन छुड़ा है यार ये लैंडमार्क प्रॉपर्टीज और बिल्डर वाले ने डेढ़ी सजाई है तो अपने सारे कारोबारी दोस्त अपनी संगत हरिपुर भी इतने बुलाइए ते बड़ी सोहनी है एक यारह की महफल है डेढ़ी भी है लेकिन एक सजना की महफल डेढ़ी होंगी संगियां दी ईद मिलन भी समझते हो जिस तरह लाल आम तौर पर संगियां नाल बैग आदमी इंजॉय करता है तो उस पे जनाब अली तुसा शायरी सुनने तो पहले एक निकी जी गुजारिश है कि नाल आली जा खाली है जा तो मेरे खाई दी उसकी वो किसे ने आज ए पछड़ा रूह है जी मलक साहब सची दस है पछड़ा रूह है ऐसा भेजो करे हांडी अगो चला चलता है और ही किसी कमे गांधी आज तुम फोन करके दस है यार डेडी है तो वेले ना मरी अल्लाह जाने केड़े पासे हो गए वेले ना बुलाने आज तुक मतलब है जिस गोश्त काम तिके तुके चल देते मुग तुम नहीं बुलाया बंडे शंडे जमा कर दा कुल सैफो वास्ते जाने राती चल गोश शोश देवा कुछ मतलब मामला गल की या गोली मां मारो या तुसा मारा कुर्सी पकड़ो इसी आम बस बहर है अला ये हल्दी की है ए बस तो झूठे देसी ये पींगा अच्छा चलो और आ रहे हैं तो बैठ डेडी का काम शुरू हो जाए अला हां मंगजे को लो काम कहन अच्छा है भी के जा ओ जेड़ा होता है अला हां गल पे करना है एनक लगी देखो स्वाति मामा इस नाले गल करके ना आस्ते गोली या मां मारो तो या मैं तुसा गोली मारा गोली तू मां मीना मार ते तू पता है कि मतलब घोड़ा या खोता जड़ा होता है ये जल्दी जल्दी कद बुढ़ा भी हो जाए मरदा नहीं फिर गोली मारनी पैंदी है हुण तू आप फैसला कर किन के आखर गोली मार फिलहाल ना मार दे फिलहाल तेरे नसीबे में बहुत सारा टोणा टाणे असल में गल सुनो आज मेरे प्रोड्यूसर साहब सर मुख स्पेशल गल की है कि डंगर शंगर की गल नहीं करनी तो मैं आज डंगर की गल ना करता ना तो घोषित कोलो मारे गल खास कैंसन वो आखना लगे मुख भी चाहिए तो मैं खड़ने अपने जितने चेहरे मलक साहब बैठे ने कोई ऐसा आदमी नहीं है जेड़ा मेरा अच्छा दोस्त ना हो हरिपुर के लोग ने मैं जमया पलिया पढ़िया सारा कुछ जी जी शार शार दो चार गलां शेरां में कर सा ते शायर भी इतने आए ने सदीक मंजर साहब जी जी माशाल्लाह ते साडे भरा भी ने ते साडे बड़े अच्छे अच्छा मजे दी गल है ओ लगदे ने शायर तुसी नहीं लगदे हो नहीं ना मैं जरा जिम्मेदार फैशन दा शायर हां जिम्मेदारी शायर हो हां हां ठीक
ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਮੀਆਂ ਵਕਾਸਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਮੀਆਂ ਅਬਾਸਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅੱਜ ਡੇਢੀ ਸਜਾਈਏ ਸੰਗੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੌਜ ਬੜਾਈਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਾਮਾ ਸੰਗੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੌਜ ਬੜਾਈਏ ਆਲਾ ਤੇ ਡੇਢੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲਾ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਭੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਭੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਕਦੇ ਆਖਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾਂ ਇਹ ਸਜਦਾ ਕੁਰੇਸ਼ੀਆਂ ਮਲਕਾਂ ਤੇ ਖਾਨਾ ਹਾਂਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਡੇਢੀ ਬਣਾਈਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਲੈਂਦੀ ਛਤਰੀ ਤਲੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਤੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦੇ ਤੇ ਸੱਤ ਰੰਗਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਡੇਢੀ ਸਜਾਈਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੰਗਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਾਅ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਬਣੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਗਿਣਸਾਂ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਤਾਰਖੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸੈਯਦ ਵਕਾਸੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਵਕਾਸੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਕਾ ਖੇਲ ਜੀ ਸੀਈਓ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਈਦੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਈਦ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਆਪਕੋ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਅਖਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਤ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰੀਪੁਰ ਮੈਂ ਹਰੀਪੁਰ ਮੈਂ 2014 ਮੈਂ ਅੱਛਾ 2014 ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹਮਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬੜੋ ਨੇ ਇਧਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇਧਰ ਬੜੇ ਹੋਏ तो हरिपुर से बहुत पुराना रिलेशन है हमारा बहुत अच्छा अच्छा माशाल्लाह अच्छा ये जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया इससे पहले आपने डॉक्टर बिलास बनाया था जी जी बिल्कुल और वो माशाल्लाह आपका मैंने देखा है अभी जहाँ आपकी अपनी अपनी भी रिहाइश है जी, बड़ा जी, वो सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं अभी नया प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है जी बिल्कुल तो इसमें क्या आपके जहन में क्या बात थी कि लोगों को सहूलत दी जाए एक्चुअली इसमें तो सहूलत की भी बात है लेकिन दूसरी है कि यहाँ तक हरिपुर में अभी तक किसी ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया हरिपुर में नहीं है बिल्कुल इवन हज़ारा में मेरे ख्याल में किसी ने स्टार्ट नहीं किया फिर दूसरा जो मैंने देखा है कि मोस्ट प्रॉबली जितने भी ओवरसीज हैं या जो बाइंग का शौक़ रखते हैं तो प्राइजेज बूम पर है यहाँ कोई मोड ऑफ़ पेमेंट नहीं है अगर मोड ऑफ़ पेमेंट है तो वो आपके आउट ऑफ सिटीज़ होती हैं मतलब सिटीज़ में आपको कोई पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी चीज़ नहीं मिलती फिर दूसरा ये कि घर बनाना इस वक्त मेरे ख्याल में एक मिडिल क्लास लोगों के लिए जहाद है तो हमारी कोशिश ये है कि अगर एक बंदा हम पर ट्रस्ट करता है हमसे एक चीज़ लेती है तो उसको हम प्रॉपरली फैसिलिटेट करें हर लिहाज से तो इसमें जो हमने फैसिलिटीज़ दी हैं इट विल बी जस्ट लाइक इस्लामाबाद के कैप्सूल लिफ्ट हमने दी है जनरेटर बैकअप हमने दी है गार्बेज सर्विसेज मैनेजमेंट सर्विसेज पलम्बर इलेक्ट्रिशियन एवरीथिंग सब कुछ और जो लाइट मतलब हर एक चीज़ इसकी टोटली चेंज होगी जस्ट लाइक इस्लामाबाद तो एक अल्लाह का नाम लेकर हमने बिस्मिल्लाह की है फर्स्ट टाइम हरिपुर में इंशाल्लाह अल्लाह ही आगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक चीज़ हम जो देखते हैं बड़े शहरों में जो होते हैं जैसे आपने कहा जी 75 लाख रुपये कीमत है जी जी वो जब उनका एड आता है या वो बात करते हैं वो कहते हैं जी 75 लाख से जी अब जो से है ना उसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं आगे फिर जाके तो आपका 75 लाख पे रुक जाता है या ये भी से है नहीं एक्चुअली इस टाइम के कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट के हिसाब से वो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी लिहाज से हमने इसको 75 लाख एक एवरेज प्राइस हमने निकाली है जस्ट फॉर 3 बेडरूम्स हमारे 55 लाख के भी हैं 2 बेडरूम ये नहीं है कि सिर्फ 75 लाख के लेकिन ये आपकी है ओरिजिनल प्राइस ये आप जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो तो उसमें आपकी ओपी होती है ठीक है ये प्राइस आपकी इंक्रीज होती है एज पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर सपोज अभी एक सरिया है वो मैं ले रहा हूँ 1,10,000 का वही चीज़ मुझे कल 1,50,000 की मिलेगी डेफिनेटली द प्राइस विल बी इंक्रीज मैं मेरी बात शायद आप नहीं समझे ये जो 75 लाख है मैं एक सौदा करता हूँ कल मैं आपसे ले लेता हूँ मैं कल आपको 75 लाख रुपए या जो भी कहते हैं वो मैं आपको दे देता हूँ जी मेरे लिए भी इंक्रीज होगा जो मुझसे बाद में बाहर आ गए उसके लिए
मेरे ख्याल में ओपी में तो उसके लिए इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि उसने अगर 75 लाख में ले लिया तो उसकी वो है, वो डन है, बाद में बेशक डबल हो जाएंगे बिल्कुल, वो अल्लाह करे कि ये अच्छी बात है बिल्कुल नहीं, वो एक प्राइस पर उसने ले लिया, उसने बुकिंग कर दी है। सो ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप आए हैं तो कोई एक्सपीरियंस था पास्ट का या? एक्सपीरियंस मेरा दुबई प्रॉपर्टीज रहे, दुबई से मेरे ख्याल में आए जी जी बिल्कुल। अच्छा, 2002 से आप ये समझे कि 2014 तक मेरी दुबई प्रॉपर्टीज, वहाँ पे आप प्रॉपर्टी का काम करते थे या कंस्ट्रक्शन में थे? नहीं, प्रॉपर्टी का काम करते। फिर आपको तो जनाब नैब वालों को बुलाना चाहिए, पाकिस्तान के जितने भी वो सरमायादार हैं उनकी लिस्ट तो आपके पास होगी किसकी कितनी प्रॉपर्टी। माने मेरी तो बहुत ज्यादा विश है कि मैं पाकिस्तान को ही दुबई बनाऊँ, लेकिन ये कि इंसान अपने हिसाब से जा रहा होता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हमारी है कि जितना हम अपने कैपेसिटी के लिहाज से हम लोगों को फैसिलिटेट करें वो हम कर रहे हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, और ख़ास तौर पे जिस तरह का प्रोजेक्ट मैंने आपका देखा है जी जी, तो मुझे अच्छा लगा है, मुझे अच्छा लगा है। तो अगर जो लोग हरिपुर से बिलोंग करते हैं, जो हरिपुर को मतलब रिहाइश के लिए मतलब वो सूटेबल समझते हैं, तो उनके लिए शहर के अंदर और सारा शहर है, फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल आपके साथ है, बाकी भी सारा कुछ है, उनके लिए ज़बरदस्त है और कीमत बड़ी मुनासिब है। हाँ, वो एडवांस पर अच्छा, अल्लाह करे बरकत आप, और आप इस तरह करें, अगर आप जिस तरह काम करना आपने शुरू किया है तो आप हज़ारे में मज़ीद शहरों की तरफ निकलें। हमारी प्लानिंग है, लेकिन इंशाल्लाह वो कहते हैं गर्म टी है, आप आराम आराम से पिए, आप लुत्फ लेंगे, आप एकदम पियेंगे तो आपके होंठ जला देती है। सो वी वांट टू गो स्लोली, लोगों का ट्रस्ट बिल्ट होने दें, या जिन लोगों ने हमसे लिए हैं जो डॉक्टर विलाज में, तो आई थिंक दे आर सेटिस्फाइड। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं वो जिनको जो बिलोंग करते हैं हरिपुर से, वो अगर बुकिंग कराना चाहें तो बिल्कुल वो करा सकते हैं, मतलब दे आर वेलकम, कोई इस तरह, लेकिन हमारे पास तो इसमें सिर्फ 40 यूनिट्स हैं, मेरे ख्याल में ये तो 2-3 मंथ्स में शूट करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी एक फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, दूसरा जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है जी जी, माशाल्लाह 2 दिन से आई गॉट मोर देन 25 कॉल्स। अच्छा, कितने लोगों से, ये सिर्फ हमने बोर्ड लगाए तो उससे हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो ये तो अभी मैं ये समझता हूँ कि 2-3 मंथ्स का गेम है। लेकिन आपके प्रोजेक्ट से हट के और सारे ज़ाहिर है शहर की करीम हमारे पास बैठी है और सब लोग अपने अपने शोबे में माहिर हैं और उनके बिजनेस भी हैं, आप लोग जो आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या जो भी इदारा आप बनाते हैं, और मैं थोड़ी सी डिटेल में जाऊँगा कि कराची के एक बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे मेरी एक बार बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा जी कि आप जब एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि इसमें 25% हम पब्लिसिटी के लिए रखते हैं कि वो उसकी मतलब जो पब्लिसिटी जब होगी तो सब लोगों को पता चलेगा। तो मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल हिंद को भी करा तो ज़्यादा मुनासिब है तुसी भी सारे, कि K2 टेलीविजन एक ज़माने तो असं को 8-9 साल तो इतने मौजूद है साढ़े हज़ारे बिच, ते K2 टेलीविजन चलने वास्ते भी जाहिर है एड्स की जरूरत होंगी, और K2 टेलीविजन ये नहीं कि कोई मंगता है खैरात वाली गल है, तुसी असा ना लाओ, असा को इश्तहार चल सन, असी तुसा जिस अज इस प्रोजेक्ट बैठे दे हैं इसका नतीजा तुसा मिलजुल सी तकरीबन 2 महीने बाद कि भई ये कितना फायदा होंगे, तुसी ये टूल इस्तेमाल करो तो तुसा दे प्रोजेक्ट, तुसा दी इंडस्ट्री, तुसा दी दुकान, तुसा दा सारा कुछ उस पर तरक्की उसी। जमील तनोली साहब साढ़े नाल तकरे बैठे दे सुन, जमील तनोली साहब आ तुसी पुछो कि भाई वो जिसले K2 टेलीविजन नाल आए ते उन्हां दा बिजनेस के जाए ते अज उन्हां दा बिजनेस के जाए। बारा जी आप कोई और बात करें फिर मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा जी, अपने प्रोजेक्ट के हवाले से अगर कोई और बात आप करना चाहें तो। तो बस प्रोजेक्ट के हवाले से सब कुछ इसमें सिंपल है, G+4 हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं 2 ब्लॉक्स पर जी जी, और हर एक ब्लॉक में तकरीबन आपके 20 यूनिट्स हैं, 20 अपार्टमेंट्स जी जी, 16 इसमें 3-बेडरूम अपार्टमेंट है और 24 इसमें 2-बेडरूम अपार्टमेंट है, और बाकी ये कि इसकी पेमेंट प्लान जो हमने रखी है 30% बुकिंग रखी है, ठीक है, 20% हमने क्वार्टरली रखी है। अब आपका मैसेज तो मैंने पढ़ दिया था, मैं दोबारा भी उसको शामिल कर लूंगा, चीज है ठीक है। सैयद अब्बासुर रहमान साहब, कंप्लीशन टाइम जो हमने इसका रखा है मैक्सिमम टू इयर्स जो हमारी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमारे अभी साइट पर अगर आप देखी भी तो आफ्टर 2 इयर्स पोजीशन आप दे देंगे लोगों, बिल्कुल हम इंशाल्लाह पोजीशन इंशाल्लाह दे देंगे जी। एक मिनट, माशाल्लाह आज तजिया शवाला लग दे कसम खुदा दी, तू पता नहीं कपड़े भी नवे लाए दिन भी नवे लाए दो मगर वाले दे नवे कपड़े ते माशाल्लाह सोना लग दे जिया बलबले बढ़ दे ने अगे अगे की चली गलो तो एनक भी लाए जी गा सुनो ना जाहिर स्टेल स्टूल भी ते मारना पेंदे जने ना गा मार स्टेल इना को आखो येरा कतन मड़े से भी कुकुल छै वशा वशा भी कुछ मतलब को दरक दुरक हो की एक मकाना मकुना। अच्छा, इसकी बेचारे की शादी नहीं हुई आज तक, ठीक है, और ये इसके पास घर भी नहीं है, एक इसके पास भैंस है, एक गाय है, एक होता है, एक गाय एक खुद है ये ना, एक बकरी है, एक रेडवे
ठीक है। और ये कह रहा है जी कि मुझे अगर घर दे दें शायद शादी हो जाए। अल्लाह वास्ते का कोई रखा हुआ है आपने? बस ये लैंडमार्क की तरफ आए, लैंडमार्क करेगी इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। मार नहीं आखा, मार का खैर तू आ रही इन्हें दराई करे अल्लाह खैर की थी तेरी मदद जरूर कर। पहले ब्याह ते कर ना, पिटिया ब्याह कर सा ना, आज आज ही देना दे गल सुन, ब्याह दे दे ही नहीं गुलसेब वाले रोज मड़ को जड़ी जड़ी लाना चाह करने दे ब्याह वाली दर का ले गोशत कर खड़ से केश है ये गोशत गोशत गुलसेब को देसा हूं गुलसेब को दे गोशत पे दे बे तेरे चार बंडे पे दे इंशाल्लाह मैं गुलसेब को देसा ये किसन बकरा ने नहीं आगा पता नहीं को मिक्स मुक्स है यारा गल सुन सारा कुछ है स्वाथी मामे दे करग में ना जुलदी गोशत मांगना क्यों ए जदों भी जुलदा ओ जी चादर ने नाथे नाल साफ भी करिया यारा जी गल सुन और मैं के करा मैं और मतलब है काम चंगा दे शक्ल देख के आदमी तपा मारदा है ना मुंह देख के तो तू जो दरी जोगाई ते में अरे साहब आखे ओजरी मेरे ऐसे रखियो ओ चंगा भला हो जातो का मांगने खरदा खरदा ते फिर फोन कीता ओजरी किसे ने दियो ओ मेरा ख्याल हो नहीं उठे ही पे ही अच्छा असन दी नजर नहीं सड़दी ना ओजरी उते ते जमील तनोली मैं कराची दा वाकया ना पिंडी दा वाकया सुनाया ने आते नो मैं एक बंदा आता तो कुछ है सौगात खुलावा उसे लेना ते खल 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 के आखिर गया तो प्याले पे ओजरी पा के देंदा ओजरी से देख ले आ रही तू खा ते सही आते इतनी मजा आया उस ओजरी खाने दा ओजरिया तैयार करना औखा होंदा है हां ओजरी साफ करनी औखी होंदी है ते साफ होई जो ना साफ होई जो ते निका निका जायका और ना लग जुला ते केड़ा फर्क पेंदा है एक चलो बड़ी मेहरबानी जी सैयद अब्बासुर रहमान साहब नाल गल करसा जी इसी जड़ा प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट ते ओ कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी जी गल नाल करने है जनाब सैयद अब्बासुर रहमान साहब माशाल्लाह से सीईओ से हम बात कर रहे थे तो सीईओ सीईओ लगते हैं ना आप भी माशाल्लाह कॉन्ट्रैक्टर लगते हैं अच्छा ये कॉन्ट्रैक्टर इतने सेहतमंद क्यों होते हैं शुक्रिया जी नहीं मैंने पूछा सेहतमंद इतने क्यों होते हैं माइक जरा नजदीक कीजिएगा कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा गम नहीं करते गम नहीं करते ना, ना, सीईओ साहब गम ज्यादा करते हैं जरा पैसे लोगों के होते हैं ठीक है सीईओ साहब का गम ज्यादा होता है ना बिल्कुल जरा जो इन्वेस्टर है जो पैसे लगाता है उसे दुख होता है गम भी होता है तो ठेकेदार का क्या है बन गया तो ठीक है ना बना तो उसका नुकसान है माशाल्लाह से अच्छा जी प्रोजेक्ट आपका मैंने देखा और डॉक्टर बिलास देखे हैं ये भी आप ही ने बनाए थे बिल्कुल इतनी छोटी सी उम्र में आपने बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बना के दिया तो कोई एक्सपीरियंस आपका कोई आपने पढ़ा हो या वैसे सीख लिया सर 2006 से मैं स्टार्ट किए अच्छा माशाल्लाह और 2006 से मुख्तलिफ किस्म के नेचर वर्क्स किए हैं सही लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि प्रोजेक्ट मुझे मिले और मेयारी तौर पर प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन है इसमें कोई शक नहीं है सही इसमें इंजीनियर्स और कंसल्टेंट को हायर किया गया और उनके सुपरविजन में जो है सारा काम हो रहा है अच्छा और कैप्सूल लिफ्ट्स तुर्किश लाइट्स तुर्किश टाइल्स मतलब एक वीआईपी टाइप कि मतलब ये फ्लैट्स मान रहे हैं जहाँ पे हम बैठे हुए हैं जी जी ये जो कंस्ट्रक्शन है ये जो डिजाइनिंग है ये भी आप ही की हुई भी है या किसी और की है बिल्कुल ये मेरी हुई है अगर ये आपकी है तो फिर हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप थैंक यू माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने देखा है मैं भी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा बहुत समझता हूँ तो ज़बरदस्त आपने काम किया है ज़बरदस्त काम किया और माशाल्लाह से लोग आप पे ट्रस्ट भी करेंगे जब आपका काम आगे बढ़ेगा और मैं यही बात करता हूँ सबसे और अपने सुनने अपने देखने वालों से भी बात करता हूँ कि इस तरह के जो लोग आते हैं अगर जिनके पास नहीं है गुंजाइश फिर मैं हिंद को भी चाह चलना ज़्यादा बेहतर है सी कदे गुंजाइश उस तरह की नहीं तो ये सहूलत पहले बड़े शहरों में ही हूँ साढ़े निक्के शहरों में ही आ रही है तुम राबता करो जनाब और तुम अपने कार बढ़ाओ और तुम इतने फ्लैट इन्होंने को किनो फ्लैट किन के तुम उन्होंने रहो और तुम एक चीज़ में दसनी शुरू में भूल गया कि सा मार्केटिंग डिपार्टमेंट जोड़ा है और खास तौर पर जितने भी लोग इतने बैठे हैं जो असं टीवी से देखते हैं कदे तुम अपनी किसी भी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी चाहते हो केटू टेलीविजन के जरिए इरशाद खान साढ़े मार्केटिंग मैनेजर हैं जी हरिपुर से बल्कि हजारे सारे भी जो देखते हैं पूरा हजारा उन्होंने को तुसी उन्हां नाल राबता करो ते असी इंशाल्लाह तुसां दी कोई भी प्रोडक्ट एक बारी तुसी साढ़े कोल आओ तुसां अंदाजा सी फिर तुसी बार बार आसो तुसां पता लग सी क्योंकि केटू टेलीविजन खास तौर पर पाकिस्तान में जितने भी टीवी चैनल हैं इन्हां विच एंटरटेनमेंट के हवाले नाल असां दे प्रोग्राम माशाल्लाह इन्हां दी रेटिंग बहुत अच्छी और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये डेडी प्रोग्राम की तुसां दसां कि 8 साल तो यह प्रोग्राम चलता है और इस प्रोग्राम विच जनाब कदे असीं सैकड़ों के हिसाब से प्रोग्राम कर रहे हैं हर प्रोग्राम असां दा दूए कोलों ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसकी होंदी है मैं आपकी तरफ आता हूँ तो मैक्सिमम तो बातें उन्होंने बता दी हैं मुझे एक बात जो मैं इनसे पूछना चाह रहा था आप बता दीजिए एक बंदा फ्लैट बुक करा लेता है वो आपको 55 या 75 लाख दे देता है जी जी अब वो मालिक है ना जी
वो रजिस्ट्री आप करके देंगे उसको? न सर, रजिस्ट्री ये रजिस्ट्रार करके देगा। नहीं, रजिस्ट्रार ही करता है जी, लेकिन जी। जो बेचता है वो करके देता है ना, करता तो रजिस्ट्रार ही है। न सर, ये सीओ साहब का काम है, ये वो करके देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में वो बंदा मालिक बन जाएगा। बिल्कुल मालिक बन जाएगा। मैं ये बात बिल्कुल मालिक बन जाएगा। मालिक बन जाएगा बिल्कुल। मैं आपकी तरफ आऊंगा। अच्छा, वो मालिक बन जाएगा। बिल्कुल मालिक बन जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। और कोई बात जो मेरे जहन में ना आ रही हो आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से करना चाह रहे हैं? सर, ये इस प्रोजेक्ट के 2 ब्लॉक्स हैं जी जी, ए और बी जी, और हर ब्लॉक में तकरीबन 20 अपार्टमेंट्स हैं। ठीक। और 30 फुट इसका पार्किंग एरिया छोड़ा गया है, फाउंटेन भी है, ग्रीनरी भी है। मतलब आप जो ये देख रहे हैं इससे बहुत बेहतरीन होगा वो, जब कंस्ट्रक्ट होगा जी, आप जी। उसको देखेंगे तो आप ये भूल जाएंगे। एक दूसरी चीज़ जो है कि आमतौर पे लोगों की होती है जी, कि ग्राउंड फ्लोर की और प्राइस है, फर्स्ट फ्लोर की और प्राइस है, सेकेंड फ्लोर की और प्राइस है, उस पर आप चलते ऊपर जाते जाएँ तो प्राइसेस मुख्तलिफ होती हैं बड़े शहरों में। यहाँ क्या सिचुएशन है आपकी? सर, ये अपार्टमेंट्स तो जितना होते हैं लोग ज़्यादातर जो है वो टॉप फ्लोर को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। नहीं, प्राइसेस सेम है, प्राइसेस सेम है। हैं क्या? बिल्कुल प्राइसेस सेम है। अच्छा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है? कोई डिफरेंस। टॉप फ्लोर पे तो मैंने वो देख रहा था मैं आपका मैप वगैरह, तो उस पर तो शायद कोई जिम आप लोगों ने? बिल्कुल, जिमनीज़म भी है बीच में, ऊपर जिमनीज़म। बिल्कुल है। ओपन एयर है या कवर्ड है? ओपन है, उसको कवर देंगे थोड़ा। अच्छा, ज्यादा कवर नहीं करते। ठीक है। और वो जो उस मतलब वो आपका वो जो 4-5-6 फ्लैट होंगे उसमें वो सब लोग उसको यूज कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। हर एक ब्लॉक में अलग कैप्सूल लिफ्ट्स होंगे। अच्छा, ठीक है। और मतलब ये सारा कुछ इसी कीमत में आ जाएगा? इसी, इंक्लूड एवरीथिंग। फर्दर जो चीज़ें ये इस्तेमाल होती हैं तो उनकी जो ज़्यादा बिजली उस पर चलती है, बाकी चीज़ें हैं वो उनके बिल में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर ताहिर अंगेज़ हमारे साथ बैठे हैं। सर, आपसे उर्दू में बात की जाए या हिंदको में बात की जाए? हिंदको पे ही गल। लोकल हो तो? हमें लोकल। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब ज़ारेदा डॉक्टर होवे तो सोना ना होवे माइक जरा नेड़े रखियो। शुक्रिया। केड़ा मेडिकल स्पेशलिस्ट हो? मैं डिस्ट्रिक्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट हां इथे DHQ हॉस्पिटल हरिपुर पे। अच्छा, माशाल्लाह। मैं दिमाग का इलाज तो नहीं कर दे? सारा इलाज करने। दिमाग का भी कर दे जी? दिमाग यार जी कुछ कर दे, मतलब वो करो। अच्छा, मैं स्वाति मामे का ब्याखना, तू आपड़ा समझ। गला दी वजह तो यकीन कर सी, कसम खुदा दी मड़ा रिश्ता नहीं होता। मैं यकीन कर सी, तू जेड़ा लोका काते कदे के आते, कदे के आते, कदे आते पागल है, कदे आते चला है, जिथा रिश्ता जुलता मड़ा रिश्ते भी यही पनालदा ना, ना मैं चला नहीं आके बाकी लोका दे के लग दे नहीं दे बाबू दे बैठे हम जो फल ते गोल आपक दे ना। मैं बाबू ने लगता दया ना, मैं 3 रुपए की सुबह वाले भी कह दिया ना कि यहाँ बड़ा सा कुछ स्ट्रेस टूल बने। अच्छा, मेरी हूँ गल सुन, तू आप इधर शेख किन्न है, मैं स्वाति मामे कल माख है, मैं भुल जुल दिया गला, दिमाग कुछ कमजोर हो गया, मैं इन्हों की गल करना है, तू मेरी गल तो कर दे। चलो अपने पास से जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये तुसी भी थी डॉक्टर विलास जी? जी जी, मैं दसना चाहना कि वकास जड़ा ए, मेरा बचपन का दोस्त भी है, संगी भी है। हाँ, दोस्त इतने आए तो उस वेले दे मेरे इस नाल तलक ने। अच्छा अच्छा। तो इतने जड़ा जिस वेले इसने प्रोजेक्ट इतने डॉक्टर विलास का लॉन्च किया है, तो मैं सब तो पहला प्लाट मैंने इस को खरीदा है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, इस उस वेले मसलन ये कि मैं ट्रस्ट है इस उत्ते, और फिर उस तो बाद मैं इस तो बाद 2 प्लाट मैंने और मजीद खरीदे ने। अच्छा। और उसी उत्ते मैंने अपना इत्थे घर बनाया इसते गुआंढे उत्ते ही। ठीक है। ते बाकी ये वे कि मां किसी किस्म दा इत्थे मसला नहीं पेश आया। अच्छा। स्मूथली सारे काम होए ने, पटवारियां दे तुसा पता है एवें आम रूटीन वे काफी प्रॉब्लम होंदे ने, जमीन किन्नी और फिर नाल शुफे दे मसले होंदे ने, बिच और निकल आंदे ने, बिच हिस्सेदारियां होंदियां ने, विरासतां आ जुलदियां ने। लेकिन ये कि मैंने ब्लाइंडली इस उत्ते ट्रस्ट किया है। ठीक है। मां नहीं पता है बाकी जमीन दे, मैंने ऐसा देखा है। ठीक है। बाकी मां नहीं पता है जमीन, असा डॉक्टरी खाते थे, असा जमीन का इतना नहीं पता होंदा खसरे के के। बिल्कुल, तुसी मेडिसिन कंपनी वाले नाल गला करो या बाकी लोगों नाल गला करो। ते एवे के इस कोलो में कहदा है, उस तो बाद एवे इस पे 2-3 चीजां बड़ियां, ये गल नहीं कि मैंने इस दी एक 2 चीज़ा मैं इस तरह नहीं पसंद हैं कि एक तो इसने राह बड़ा खुला देता है जी। इतने मसलन वे कि आम रूटीन में इतने कोई भी बंदा प्रॉपर्टी का काम करता है, वो आपे को राह नहीं पाता, राह मालका जिस उत्ते बेचता वो पाते ने, एक इंच जगह कोई भी नहीं देता। इसने आपे को 20 फुट का जो रोड है उस पिछों मेरा ख्याल है 10 फुट
चार चार फुट इसने बाकी उत्ते पाया, बाकी दस फुट जिहड़ा मैक्सिमम जिहड़ा है वो इसने आपे उत्ते पाया। दूई गल है कि इसने इत्थे ड्रेनेज सिस्टम पहले का बनाए दा सा, अच्छा, और इसने रोड भी अपने खर्चे उत्ते, यानी कि रोड भी अपने उस उत्ते। फिर दूई गल है कि जितनी भी लेंस ने उत्थे दे इसने ट्रांसफार्मर दिते दे अलहदा, यानी कि बिजली का फुल वोल्टेज नाल इत्थे बिजली आंदी है। और बाकी ये कि ये तुसाने देखा उसी आंदे वेले बाबे खैबर का इसने एक एंट्रेंस पढ़ाई है, और इसके आइडियाज जड़े ने वो बड़े अच्छे ने, यानी सिक्योरिटी सिस्टम सीसीटीवी कैमराज इसने लाए ने, और यानी कि असा वो हर एक असाए जी एक इंसान सोच सकता है कि इतने होनी चाहिए, उस तो इसने असा कोई डिमांड अच्छा, नहीं ये फैसिलिटी जितनी तुसा गिनी है ना, ये फैसिलिटियां पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी दें दी, और मैं ना उन्होंने ना कहता उन्होंने प्रोजेक्ट जिते डिजाइन हो जाते ये फैसिलिटीज उत्थे मिलती हैं, लेकिन उन्होंने को कार किन्ना या फ्लैट किन्ना तो करोड़ों में नहीं मिलता। बिल्कुल वो बहुत ज्यादा जी हाँ, और इसके मसलन कोई कॉस्ट भी इसने उस पर इनकलूड नहीं ते एवे के कंफर्टेबली मेरे हुण 6 महीने होए ने मैं इत्थे शिफ्ट होया। ठीक है, बेसिकली असां दा और भी कार ने, लेकिन मैंने अपने आसे अलहदा सेपरेट रेजिडेंस इत्थे कीती है। ठीक है, ते माशाल्लाह बड़ा असां सैटिस्फाइड हां, खुश हां। पिछे ग्रां केड़ा जी? पिछे असां जामा उत्मान ए दौड़ दे पार अंतरवेला छपर रोड तो जिहड़ा राह जुलदा है झील दे किनारे उत्ते है ना, मैंने ते असां दे गाजी आले लोग साढ़े खलाबाट आले लोग जिहड़े उधरों मुतासरीन होना वो असी आने हैं, मैं वो आते हैं मैंने मैं उस तो मान दादा है कि तो असां दोनों पारां दे हां दोनों पारां दे दोनों पारां दे दरियाओ पारे दे दरियाओ पारे दे माशाल्लाह जी माशाल्लाह जबरदस्त है। मतलब मैं तो आने समझे मैं कुछ टीवी दे आर्टिस्ट शार्टिस्ट इन कोई मॉडर्न मूड लाए दे माशाल्लाह जी ऐसे ही शख्सियत है, तो से ना नाल टिक रहे हो निकिया कोई बलोरा शलोरा नाल खेड दे रहे हो टी टी डंडा दत्रिया खैर खैर कोई गल नहीं है, इस पे गीत भी सुन। बड़े अरसे बाद मुनीर रवान आए जी साड़ी डेडी बिच, ते ईदी दी डेडी है, ते मुनीर रवान आओ जी साहब। जबरदस्त ही जबरदस्त गीत संगाया, और सरायकी जबान का गीत, और सरायकी है भी मीठी जबान है, तो सरायकी हिंद को और सिंधी जबाना में अक्सर एक गल दसता हूँ ना, और हकीकत इन त्रिया जबाना भैणा आखे जुलता है कि एक ही इन्हों ओरिजिन है कि एक ही माँ है इन्हों की, और इन्हों के लफ्ज़ आपे भी मिलते जुलते हैं, और त्रै जबाना मीठी हैं, सिंधी भी मीठी, सिंध को भी मीठी, और सरायकी भी मीठी। जनाब ईद की खास डेडी तुम भी देख रहे हो जी, और तुम दसा कि इस डेडी अस्ते साढ़े तावन है दी रेजिडेंसी, और इन्हों का पैगाम मैं तुम तक पहुँचाना। एक गल आखते हैं जी कि डॉक्टर बेलास हाउस नंबर 4 DHQ अस्पताल रोड हरिपुर TMA हरिपुर से मंजूरशुदा, 2 बेडरूम्स और 3 बेडरूम्स के साथ। 3 बेडरूम्स अपार्टमेंट कीमत सिर्फ 75 लाख, 2 बेडरूम्स अपार्टमेंट कीमत सिर्फ 55 लाख। 30% एडवांस बुकिंग के साथ, हर 6 महीने के बाद 20% और 10% पोजेशन पर। लिफ्ट और कुशादा पार्किंग, मैन बाज़ार हरिपुर, पार्क्स सब्जी मंडी, DHQ हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब। आपके ख्वाबों की ताबीर डॉक्टर बेलास दी रेजिडेंसी DHQ रोड हरिपुर। इन्हों का पैगाम है, और जनाब इन्हें फ्लैट बनाए दें, और जबरदस्त किस्म के फ्लैट बनाए दें। कदे तुसी फ्लैट किन्ना चाहते हो, या रहना भी चाहते हो, या तुसी जनाब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नाल लोग इन्वेस्टमेंट भी कर दें ना, तुसी एक विजिट इन्हें जरूर करो। मां ते यकीन करो, मां अच्छा लगे इन्हों का ये प्रोजेक्ट, तो तुसा भी पसंद आसी साढ़े नाल। जनाब हरिपुर की तुसी आ सकते हो कि बिजनेस कम्यूनिटी की क्रीम बैठी दी है, असी उन्होंने गल करने हैं, लेकिन माजरत में पहले भी की थी, हो सकता है सारे लोगों नाल गल ना हो क्योंकि प्रोग्राम का एक महदूद वक्त होंगे, लेकिन ईद की मुबारक तुसा सारे को जरूर कंसा। साढ़े नाल बैठे दें जनाब फखरे आलम साहब सदरन हरिपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स से, थोड़ी जी गल करने हैं। सर क्या हाल है जी, माइक जरा नेड़े करो। मलिक साहब मैं तुसा K2 TV की डेडी की पूरी टीम आ ईद की मुबारकबाद देना जी जी, और पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया जितने हजारे वाल वसते ने मैं उन्होंने सारे भी ईद मुबारक आखना। खैर मुबारक जी माशाल्लाह, तुसा मुबारक हो। साढ़ा ये चैनल इंदको का चैनल है जी जी, साढ़ा अपना चैनल है, तो मैं समझना कि इस ईद के मौके उत्ते पूरी दुनिया जिथे जिथे हजारे वाल वसते ने जी जी, पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान समेत उन्हें मैं ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, बहुत अच्छा लगे मतलब जाहिर है तुसा K2 TV और पूरे हजारे हजारे वाला बल्कि पूरी दुनिया भी जितने मुसलमान सारे ईद मुबारक तुम्हारी तरफों।
इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई तुसी मतलब एक राय तुसा को कायम की हो प्रोजेक्ट तुसा देखे हो आखते हो जी? ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है जी माशाल्लाह मियां वकास साहब ने क्योंकि जड़ा है ना डॉक्टर विलास पहले विलास पढ़ाया है ना जी 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 माशाल्लाह तुसी खुद भी आए हो तुसा खुद भी देखे हो सी जी जी के इस तरह की पोजिशन शायद वड्या शहरों च भी नहीं जिन्हें जिड़ी इन्होंने हरी पोरज देती है जी जी और एक नवा ट्रेंड दिता इन्होंने जी स्पेशल डी रेजिडेंसी वाला जड़ा है वे एक नवा ट्रेंड है हरिपुर हरिपुर में पहला प्रोजेक्ट जी जी बिल्कुल पहला जी जी और असी समझने कि ये खुद जाती तौर पर सही आदमी ने इंशाल्लाह जिस तरह डॉक्टर साहब ने दसा उस को भी इंशाल्लाह असा यकीन है कि बेहतर कर सकूं माशाल्लाह माशाल्लाह जी बिल्कुल जाहिर है मतलब आदमी वक्त ना सीखता है ना एक ही प्रोजेक्ट में कदे कोई कमी रह गई है तो जिहड़े लोग अकलमंद होंदे ने वो अगली बारी उस कमी है दूर कर दें बेशक ते जाहिर है प्रोजेक्ट ना अल्लाह करे जी अच्छा प्रोजेक्ट होवे और साडे इन्हां शहरां में खास तौर पर हजारे दे शहरां में ये जदीद सहूलतां लोगों को मिलनी चाहिए ये पहली सहूलत है जी हरिपुर इस क्योंकि असी खुलियां घरां दे लैंदे आं जी हां वड्डियां घरां दे जी जी ते अपार्टमेंट ये पहला प्रोजेक्ट इन्हों का हरिपुर और मैं समझना कि शायद हजारे च हो मेरी मालूमात नहीं लेकिन हरिपुर पहला है वक्त की जरूरत है जी ये और एक चीज़ हो रही मैं अक्सर मैं चूंकि अबटाबाद में रहना और मैं सोचना होना तुम अबटाबाद के किसी पहाड़ी उत्ते शिमला पहाड़ी से सरबन से खल के देखो अबटाबाद जंगल बन गया आबादी का सिर्फ असा को ग्रीन बेल्ट रह गई है जी सारी फोर्सेस को जाए बाकी नहीं रही तो मैं सोचना यार कदम पूरे अबटाबाद में शुरू तक इस तरह करे कि फ्लैट्स होना फ्लैटा में लोग रहना ते बाकी तुसां दी ग्रीन बेल्ट होना तुसां दे पार्क्स होना तुसां दे प्ले ग्राउंड होना ये काम जिहड़ा है असां दे शहरां विच पहले नहीं है अच्छी गल है क्योंकि जमीन घटती जुलती है तो हूँ जमीन उत्ते इस तरह की असां रिहायशां बनानियां चाहीदियां कि घट तो घट जमीन उत्ते ज़्यादा खानदान बस सकन बड़ी मेहरबानी जनाब तुसां दा अपना क्या कारोबार है? मैं टाइल का कारोबार भी करना जी टाइलों की फैक्ट्री ना जी मुलाकात होती बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी एक डॉक्टर साहब जी बैठे दिन जी ते होमियो डॉक्टर आबिद असलम साहब जावेद असलम साहब जनाब के आखसो सब तो पहले जी मैं हाजरी ने महफिल हाँ और तमाम देखने सुनने वाले दिल की ताक कराइए तो मुबारकबाद आखसा ईद और अल्लाह पाक सारे जी से ईद की खुशियां च बरकत पाऊँ तो तुसां दा भी शुक्रिया जरा टाइम कट के सब को इतने हाजिर हो मियां वकास रहमान साहब का इस प्रोजेक्ट का शुक्रिया कि जिन्होंने सारे लोगों इतने बैठने का मौका दिता है जी जी मियां वकास रहमान साहब जो कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि साढ़े बड़े पुराने साथी ने जी जी सिंस फ्रॉम 92 अलहमदुल्ला एक दूसरे जड़ने तो 2002 दुबई चले गए तो अल्लाह पाक ने ना तरक्की दी है और उ लैंडमार्क प्रॉपर्टी तो उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और आज माशाल्लाह ये दोबारा खुशी इस गल की पूरा पाकिस्तान मौजूद है लेकिन ये सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस हरिपुर ही साड़ के अच्छा ये बहुत बड़ी अच्छी गल है सुनी गल करना लोगों को चार पैसे आंदे नु दुबई आ दौड़ दे जी इस तरीके इना पैसे कमा के अपने मुल्क वापस अपने मुल्क में आए और अपने लोगों में आ के लोगों को फायदा दे दे ये बड़ी गल है और मैं इंशाल्लाह बिल्कुल तालियां मारनी है जी तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करना कि इन्हां दे प्रोजेक्ट जेड़ा एक तोहफा है हरिपुर दी आवाम वास्ते बल्कि सजारा की आवाम वास्ते तो मैं उन्होंने जरूर आख सकती जरूर इस अपॉर्चुनिटी अवेल करन और कोशिश करन कि इस प्रोजेक्ट का कामयाब करने की जी। और तुसा भी रिक्वेस्ट कर सकते जिते हो सारी गल जरूर कर सो लैंडमार्क की और डॉक्टर विलास एंड रेजिडेंसी जनाब असी मैं जितनी गल्ला कर छोड़ियां मैं कदे किसी प्रोजेक्ट के बारे में जितनी गल्ला नहीं कीतियां गोवा डेडी प्रोग्राम माए प्रोजेक्ट अच्छा लगे ये सारिया गलों तो हट के लेकिन ये कि मैं प्रोजेक्ट अच्छा लगे मैं इन्हों का देखा इन्हों का डॉक्टर विलास देखे में मैं अच्छा लगे सारा कुछ अच्छा लगे तो मैं आख्या कि भाई जो लोग अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं वो भी इस पास आखते हैं बाकी सर इस प्रोग्राम के हवाले मैं एक छोटी जी होम्योपैथी की डॉक्टर गल की 2002 तो मैं होम्योपैथी कॉलेज भी चलाना पै जी अच्छा अलहमदुल्ला और मोर दैन 500 स्टूडेंट जो कि पास आउट हो चुके हैं ठीक है और इस वक्त माशाल्लाह बाइज़त रोजगार भी कमा रहे हैं और समाजशे च भी इन्हें जितना देखा जुलता है इस प्रोग्राम की तौसत न मैं ये भी पैगाम दे सकता कि जेडे बच्चे इस वक्त मैट्रिक पास ने एफएससी ने वो वालदेन खासकर अपने बच्चे जरूर जो होम्योपैथिक की फील्ड आने
ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲਾ ਹੈ 4 ਸਾਲ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜੂਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕਰਦੇ। 45 ਇਅਰ ਲਾਸਟ ਕੈਮੇਟੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ 45 ਪਹਿਲੇ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੜਦੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਦ ਪੜਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ 75 ਇਅਰ ਓਲਡ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਲਮ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਲਮ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਔਰ ਇਲਮ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵੇ ਤੇ 45 ਸਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ੋ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਰਦੇ ਆ ਸੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆ ਬੋਲੇ ਮਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੋੜਨੇ ਤੇ ਬਾਰ ਅਲੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤੇ ਆਤ ਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮੀਲ ਤਨੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇਣ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਡੇਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਡੇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮੀਲ ਖਾਨ ਤਨੋਲੀ ਜਮੀਲ ਸਵੀਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਈਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੋ ਜਮੀਲ ਬਾਈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤਰਫਾ ਤੁਸਾਂ ਕਾ ਡੇਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕਾ ਅਤੇ ਟੀਂਡਿਆਂ ਦੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾਂ ਕਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਅਜ਼ਾਨ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਸੈਯਦ ਅਜ਼ਾਨ। ਸੈਯਦ ਅਜ਼ਾਨ, ਅੱਛਾ। ਤੋ ਆਪ ਇਹ ਕਿਆਂ ਕਹਾਂ ਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਆਪ? ਖਾਸੀ ਦੇਰ ਸੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪ ਲੋਗ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਹਮ ਲੋਗ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੋ ਲੋਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈਂ, ਇਨ ਮੇਂ ਸਭ ਸੇ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਲਗਾ ਹੈ ਆਪਕੋ? ਸਭ ਸੇ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਲਗਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਯਾਰ, ਬਾਬਾ ਕੇ ਇਲਾਵਾ। ਹਾਂ, ਚਾਚੂ ਹਸਨ ਮਾਮੂ। ਕੌਣ ਸੇ ਮਾਮੂ? ਹਸਨ ਮਾਮੂ। ਹਸਨ ਮਾਮੂ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਧਰ ਇਸ ਡੇਡੀ ਮੇਂ ਪਾਗਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੋ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਗਲ ਹੈ? ਕੌਣ ਸੀ ਕਲਾਸ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੋ? ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਵੀ ਬਤਾ ਦੋ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਕਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਤਾ ਦਿਆ ਆਪਨੇ। ਗ੍ਰੇਡ 1। ਆਪ ਤੋ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੋ ਜਾਓਗੇ ਸਕੂਲ? ਜਾਊਂਗਾ। ਕੌਣ ਯਾਦ ਆਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਆਪਕੇ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਥੇ? ਮਿਸ ਮਿਸ ਯਾਦ ਆਨੀ ਹੈ ਮਿਸ, ਹੈ ਨਾ? ਕੌਣ ਯਾਦ ਆਤਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ। ਆਪਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਯਾਦ ਆਤੀ ਹੈ? ਨਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਯਾਦ ਆਤੇ ਹੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੈਸੇ ਉਨਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ? ਕਭੀ ਕਭੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਕਭੀ ਕਭੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਆ ਬਣੋਗੇ? ਆਰਮੀ ਮੈਨ। ਆਰਮੀ ਮੇਂ ਜਾਓ, ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਬਣੋਗੇ? ਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੇ ਤੇ ਵੀਊ ਦੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ 80 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ ਦੇ। ਇਹ ਤੋ ਸੁਣਿਆ ਆਪਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਸਮਝ ਆਈ ਆਪਕੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਮਝ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕਰੇ, ਉਨਕੋ ਜ਼ਮੀਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਸਭ ਕੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਡੇਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਭ ਕੋ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹੋ ਪਸ਼ਤੋ ਮੇਂ। ਪਸ਼ਤੋ ਨਹੀਂ ਆਤੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਚਲੋ, ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ ਦੋ। ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੋ ਆਪਕੀ ਮਾਮਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਪਸ਼ਤੋ ਮੇਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ? ਨਹੀਂ, ਵੋ ਪਸ਼ਤੋ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰਤੀ ਕਭੀ। ਕਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਕਭੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਤੀ ਹੈ, ਕਭੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਤੀ ਹੈ। ਉਨਕੋ ਪਸ਼ਤੋ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਮਾ ਕੋ ਪਸ਼ਤੋ। ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਮਾਮਾ? ਮਾਮਾ ਔਰ ਅੱਬਾ ਕਾ ਝਗੜਾ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਔਰ ਮਾਮਾ ਕਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ। ਜਨਾਬ ਡੇਡੀ ਔਰ ਈਦੀ ਖਾਸ ਡੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਈਦੀ ਦੀ ਡੇਡੀ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਮਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਡੇਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖਾਸ ਹਨ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਮੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਵਾਤੀ ਮਾਮਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਛੋੜੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਫਦਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਸਦੀਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਮੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਲਗੇ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਡੀਓ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਆਤੇ ਜੀ ਹਰੀਪੁਰ ਮੇਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੰਦਕੋ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰਾ ਇੰਦਕੋ ਅੱਛੀ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਦਕੋ ਲਿਖ,
میں اردو دا مشاعرہ ہے اردو دی غزلاں میں سنانا ہے چلو لیکن ہند کوئی تے جڑو اللہ دی مہربانی دے نہ کہنا کرو کیا نہ سناواں نہ دل تے نہ کہنا کرو ویسے کرے کرے ہو جلدی گل سناو نہیں نہیں وہ بھرا نے انہاں نال ذرا گپ چلا اچھا تے کیڑی او ناڑے نہیں سنا میں ایدی والے دھڑے جڑا جنا زنانی ٹول گئے نہ جنا زنانی ایدی والی او کپڑے والی واجے اپنی غزل اپنی تسی نظم ہے نا کرے دی سناو میں جڑی مزاحیہ شاعری مکالمہ رائے سنانا دے آتے نے اپنے زہر اس ذات بھی انوالو ہوندی اس کا کلچر اس کا ماحول معاشرہ سارا انوالو ہوندا ہے عیدی دی فضری ویلے جناب علی عام طور تے اسی مڑو دے اپنے کپڑیاں میں آپ نالا پا کے لا کے تے چلے بہنے ہاں کٹ لوگ ہوندے نے جنہاں تیار کر کے رکھ جل دین جی یہ لگا لے ہیں پہن لے جائیں وہ جڑا اندر بڑا ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆ ਬਡੇਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਥੜਾ ਥੇਜ ਕੇ ਇਨਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਨਾਲਾ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਮਾਜ਼ਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਚੜ ਗਈ ਯਾਰ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗਰੋਲੇ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਾ ਉਹ ਨੂਰ ਪੀਰ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਵੀ ਪੁਕਾਉਂਦੀ ਏ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਈਦੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਵੱਜੋ ਸਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨੂਰ ਪੀਰ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਵੀ ਪੁਕਾਉਂਦੀ ਏ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਈਦੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਨਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸੁਥਣੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਧਾਰ ਗਈ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈ ਏ ਉਹ ਅਗਵਾਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਖੀਆਂ ਖੋਲ ਵਾਜ਼ ਬਿਆਂਦਾ ਵਾ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਪੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਰੋਲ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਮੋਹ ਵੀ ਗਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਥੁਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਤੱਤਿਆਂ ਤਵਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਈ ਚਰਲ ਛਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ ਹੋਈ ਆਖਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣਾ ਉਹਦੀ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਭਰਾ ਪੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਹਾਰ ਪੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦਮ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਤਾ ਉਹ ਸੌ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਤੇ ਚੀੜੇ ਤੂੰ ਕੱਢਣੀ ਏ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀੜੇ ਤੂੰ ਕੱਢਣੀ ਏ ਖਰਾਬੀ ਪਿਆ ਦੱਸਣੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਜੋਗਾ ਹੋਈ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਪਿਆ ਦੱਸਣੇ ਸਿਆਣਨਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨਖਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨੱਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੌ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਤੇ ਚੀੜੇ ਤੂੰ ਕੱਢਣੀ ਏ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀੜੇ ਤੂੰ ਕੱਢਣੀ ਏ ਕੱਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਕਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਖਣੀ ਏ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਏ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨੱਚੀ ਏ ਅਜੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਅਜੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਉਸਾ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਰਾਤੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਫੇਰੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਸਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨੱਚੀ ਏ ਅਜੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅਗਵਾਤੀ ਬਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਏ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੂੜੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਏ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨੱਚੀ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬੇਲੀ ਉਹ ਆਤਾ ਓਏ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਡੈਣ ਤੂੰ ਲੱਗਣੀ ਏ ਨੂਰੇ ਮਸਲੀਏ ਦੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਲੱਗਣੀ ਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਗਾਂ ਐਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਛੁੜੀਏ ਜੀ ਐਵੇ ਜੀ ਐਵੇ ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਂ ਹੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸ ਘਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਏ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਮਲਬ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਏ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਲੇ ਮਾਂਜ ਤੇ ਦੂਏ ਕੇਲੇ ਗਾਂ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮੁਨੀਰ ਆਵਾਨ
तो मेरा ख्याल है गीत मुनीर अवान को होर सुनाने हैं, फिर बाकी जो लोग बैठे थे सारे ना साड़ी गल का जारी सी ईदी की खास डेडी, और ईदी की खास डेडी पे जनाब सिंगर भी साढ़े को खास हैं। आओ जी मुनीर अवान साहब। जहूर अहमद साहब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इटालियन शूज़ तो इटालियन फैब्रिक्स, और साढ़े के टू टैलीविजन वास्ते ये ना नहीं, और के टू टैलीविजन के नाजरीन वास्ते भी नवा ना नहीं कि जनाब हर वेले और हर मौके पर साढ़े नाल मौजूद रहते हैं। साड़ी डेडी होवे, जनाब साड़ा के टू शो होवे, या साड़ा कोई और प्रोग्राम होवे, इटालियन शूज़ उस मौजूद रहा। अज साड़ी डेडी बिच भी आए दिन सर के हाल है ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ी अच्छी गुजरी है ईद। अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ी अच्छी गुजर गई। अच्छा माशाल्लाह। तो जाहिर है ईदी उत्ते लोग बूट शूट भी कहते हैं, कपड़े भी कहते हैं, तुसां दी और अच्छी गुजरी सी? असां दी बेहतर गुजरी है, लेकिन ओवरऑल जड़े हालात लॉकडाउन दे हवाले नाल थोड़ा जा, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो तो अल्लाह उतनी बरकत पाता ना जी। माशाल्लाह। ईद दे हवाले नाल की पैगाम दसो? मेरी तरफ जी सब तो पहले तो मियाँ वकास शाह साहब इन्हों का शुक्रिया कि इन्होंने सारे मतलब कि मौका दिता है कि असी जमा होए और मतलब एक दूसरे नाल मुलाकात हो गई, और साथ नाल ही नाल ये गल कर सा कि इन्हें असी इनकरेजमेंट असे असाना इन्हें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए कि इन्होंने बहुत बड़ा एक रिस्क है इनके छोटे शहर में इतने बड़ा प्रोजेक्ट बनाना, मेरे ख्याल एक इन्वेस्टर से या एक बिजनेसमैन से बहुत बड़ा रिस्क होता है। जी हाँ कवि जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी जनाब तुसांदी। सैयद शाहिद महमूद बैठे दिन जी साढ़े नाल, और डिस्ट्रिक्ट बार हरिपुर के सदर नौ मुंतखब सदर हैं। शाह साहब तुसा जनाब सदर बनने की भी मुबारक हो, जनाब ईदी की मुबारक भी हो। मुबारक जी काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पर पूरी टीम का डेडी प्रोग्राम के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स ने उन्होंने बहुत शुक्रिया, और तुसा इतने खूबसूरत मौके पर इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया है। खास तौर पर तुसी साड़ी जिहड़ी हजारे की सकाफत है उसां प्रमोट करते हो पे, और बिलखसूस तुसी इनको जबान जिहड़ी साड़ी मादरी इलाकाई जुबान है। मैं अगर ये आखा कि अज के दौर विच ते शायद इस वाहिद प्रोग्राम में जड़ा अपनी जुबान आ इनको फरोग देंदे पाया, वरना तो अज हालत ये वे कि असा बच्चियां भी उर्दू और अंग्रेजी बिच इतना मसरूफ कर छोड़ा है कि असी तो किसी महफिल इनको जुबान बोलने भी शर्म महसूस करने। तो मैं इन्हें शुक्रिया अदा कर सकता कि हरिपुर की आवाम इतनी अच्छी फैसिलिटी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देंदे ने पे। बहुत शुक्रिया सैयद शाहिद महमूद। जनाब एक और बच्चा बैठे थे, के नाम है पुत्र तेरा? मोहम्मद यूसुफ खान। मोहम्मद यूसुफ खान, अच्छा ईदी वाले दाड़े आदमी तंबी कमीज लांदा है, तो जनाब ये ला के आ रहे हैं, हैं माइक नेड़े करना, तंबी कमीज समझना किस हाथ नहीं समझना, ये एक कमीज है ते तंबी है। अच्छा। सुत होनी है तंबी जो भी आ के नो। चलो माशाल्लाह गोश्त वगैरह खाते ही ना जी? अच्छा लगता है ना तंबू ज्यादा? आलू भी खांदा उसे जी, जी। आलू साढ़े को लिए क्या? चलो क्या जा लगे आज सारे बड़े बिच बह के डेडी देखने का? अच्छा लगे। किस क्लास में पढ़ना है? मैं 6th 7th सत्तवीं पे पढ़ना है। ते बिचो लॉकडाउन दी वजह तो नहीं गयो स्कूल आ ते उन दे लाता स्कूल जुलने दा जी? अच्छा स्कूल पे तो जा तो के आते हुंदे संगी? के आते हुंदे? सच सच दसी संगी मा मोटू के आते हैं? मोटू ते तो संगी के दे मोटू आते हैं माइया सुना ना दो दो डबल डबल खुशियां साढ़े को। एक महाराज भी आए दा आज दी डेडी पे नवा नवा ब्याह होया, मोहम्मद आरिफ इन्हां दा नाम है, क्या ले जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक हो? अच्छा कितने दिहाड़े होन ब्याह दे? 10-15 दिन।
ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਟਿਲ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਆ ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਕਿਹ ਜਾ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹ ਜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਬਸਰ ਕਰੋ ਇਨਕੋ ਵਿੱਚ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੋਫਰੀਏ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਫਰੀਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਯਾਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦ ਆਖਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਮਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪੇਜਸ ਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੁਖਤਸਰ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖਲਤੇ ਖਲਤੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਲਰ ਪੇਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਲੇ ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਜਿਤਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਗਿਫਟ ਕਰ ਛੁੜੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਨੈਕਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮੀਆਤ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਜਰਾਇਮ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁਰਮੀਆਤ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਛਾਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜੁਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਅਕਬਰ ਵਾਲਾ ਬਾਦੀ ਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਆਹ ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਈਆਂ ਖੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਗਰ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ 6 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਨਾਇਤ ਹੋ ਜਲੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਪੀਚ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਛੁੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਏਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਅਰਬੀ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਛੋੜੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਕਾਦਰਲ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਇਨਕੋ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਕੁੱਲੇ ਲਵਾ ਛੁੜੇ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਲੇ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਆਖਦਾ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਦਾ ਮਾਂ ਅਮਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੇਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਨਕੋ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਨਕੋ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਬੋਲੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ 4000 ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ੋਕਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਸ ਜੋਲੀਆਂ ਖੋਜ ਇਹ ਜੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੜਾਈ ਜੁਲਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਈ ਜੁਲਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਕਿਲਿਆਲ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਲਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੋਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਛੋ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਟੇ ਸਵਾਰ ਸੌਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ ਕੁਛ ਆਖੇ ਗੋਬੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੜੀ ਕੋੜ ਆਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਗੋਬੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਕੋਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਛੁੜਨਾ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਤਰ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਤਰ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਫਟ ਵੀ ਭਰ ਜੁਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜੀ ਖਾਜਾ ਯਾਸਿਰ ਲੋਨ ਸਾਹਿਬ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁਣ
और हवेलियाँ तो आए दिन तो जिसले ख्वाजा और लोन साढ़े को जनाब ना दिन तो फिर साढ़ा कश्मीर सू याद आता है क्योंकि ये जी कौम है ये कश्मीर न बुनियादी तौर पर ना तलक है तो कश्मीर के जो अज हालात और मकबूजा कश्मीर लोग असा देखते हैं तो तुम अपने आप जनाब कला ना समझे असं तुम ना ही आवं तो अल्लाह करसी इंशाल्लाह तुम मुश्किल दूर हो सो खास तौर पर एक साल तो ज़्यादा हो गया लॉकडाउन का शिकार हो तो तुसा दी बदुआ पूरी दुनिया लगी है सिर्फ दुनिया कदम समझ जुले तो ज़्यादा अच्छी गल है ईदी की मुबारक देना तो अजीब जहा लगता है लेकिन बहरहाल ईद है अस ईद करनी होती ईदी की मुबारक हो खाजा साहब क्या हाल है सर ठीक हो अल्लाह का शुक्र सर हवेलियाँ भी बिजनेस माशाल्लाह के कारोबार है हवेलियाजारे का सब तो बड़ा तजारती मरकज रहा है और सदियों तो आंदा है उसकी बुनियादी वजह यही कि हवेलियाँ रेलवे स्टेशन सब तो पहले बने और उस तो उत्ते जितने इलाके होंगे कश्मीर तक इतों लोग तमाम चीजा खरीद के खड़े होंगे डेडी भी पहली बार आयो पहले भी कद आयो फर्स्ट टाइम आए सर के जहा लगे बेहतरीन जी जबरदस्त अच्छा लगे ईद के हवाले के आखसो सर ईद वाले नाल यही आखसा कि जितने मेहमान बैठे दिन उन्हें सब तो पहले ईद मुबारक और जितने लोग टीवी ते शो देख सन उन्हें भी ईद मुबारक जी जी ते जिस सिलसिले में प्रोग्राम मुनक्कद होया विकास भाई ने जी सिविल अपना डॉक्टर सोसाइटी बढ़ाई है उस सिलसिले में उसकी अवेयरनेस भी है इस प्रोग्राम में और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है पिछले चार पाँच साल तो लगे दिन और बड़ी उन्होंने मेहनत की है और काफ़ी लोगों ने इन्हें एतमाद भी किया है और हाल ही बच्चे बढ़ा रहे नवा अपार्टमेंट वाला मैं दुआ देना कि अभी वो भी कामयाब होवे और मैं सारे ही आख सकें कि अपनी इन्वेस्टमेंट करन और बहुत बरसकून जगह है और हर किस्म की सहूलत है तो मैं सारे ही मशवरा देसा कि इधर करें और मैं भी इंशाल्लाह इतने कर सा जी बहुत शुक्रिया तुम जनाब बड़ी मेहरबानी हाजी बशीर साहब बैठे दें जी साबिक एक्सीएन उन्होंने अजकल पी टी आई जिला हरिपुर के नायब सदर नायब साहब क्या हाल है जी खैर जनाब ठीक हो माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਐਨ ਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਹੋ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਦ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਆਖਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੇਟੂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਬੈਠੇ ਨਾ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਟੀ ਐਮ ਏਅਰਪੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸੀਅਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਸੇਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਰਥਕੁਏਕ ਕੋਡ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਗਲਾ ਟਾਵਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਪਰੂਫ ਯਾਨੀ ਅਰਥ ਪਰੂਫ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਪਰੂਫ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨੇ ਕੂਮਕ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇ 2-4 ਔਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ 20% ਮਾਰਟਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜੁਲਦਾ ਰਸਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜੀ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਸੀ ਰਸਤਾ ਇਸ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਿੰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਰਸਤਾ ਛੋੜਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਇਹ 2006 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀ ਐਮ ਏ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੁਣ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਔਰ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਆ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨ 3 'ਚ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਬ ਹੈਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਫਲੈਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇਣ ਜੀ ਐਕਸੀਅਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀ ਐਮ ਏ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜਾਵੇਦ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਸਾਂ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਸਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟਮੈਨ ਨੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਕਤੋਂ ਫਕਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
और देखते ने बेत माशाल्लाह ईद वाले ना सारे बजुर्गों भरावान मुबारकबाद ही देसा ते बाकी ठीक प्रोजेक्ट है अच्छा माशाल्लाह बहुत शुक्रिया हे कोने होते एक भरा साढ़े बैठे थे थोड़ा जा गल इन्हां ने मेरी करा छोड़ो करे वसीम साहब माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तुसी के नाम है सोंदा वसीम कामरान ते तुसी के काम करदे हो मैं तहसील अफीसर खानपोरा खानपुर दे तहसील नवी तहसील दी टी एम ए जी हां बिल्कुल ओवरसीयर तुसी जी जी टी ओ तुसी थे टी ओ तहसील अफीसर हां माशाल्लाह के कुर्बान कीता असा जी क्या आते ने त्रै बकरे दते ने ते एक संडा त्रै ते तुस आप खादे सन बाकी नाल एक संडा भी देता है अच्छा नाल एक संडा भी देता है हां संडा ठीक है संडा ठीक माशाल्लाह के खांदे हुंदे हो जी के खांदे हुंदे हो तुसा कोलो घर दी खाना लेकिन समझ नहीं आंदी के हुंदा है अच्छा चलो जी माशाल्लाह संजीदा बैठे थे ना मैं गल करा अल्लाह खुश रहे जी जनाब साढ़े जावेद साहब बैठे थे जी थोड़ी जी गल करने जावेद साहब माशाल्लाह क्या हाल है ठीक हो ईदी दी मुबारक होवे डर खत्म कर देने जिसको जिड़ी शायद ना हो सड़ा लगता सिरे तो पला ला बड़े बड़े निके निके अल्लाह नसीब करे जी माशाल्लाह सोने बाल रखे ने बाल संभालने जरा औखे होंगे ना बस कोशिश करने हैं जी अच्छा जी। उसले तो ज्यादा औखे जो दिन से रंग करना पावे जी और औखे दिन के आस हुई जी देवाल नाल बाला दे हवाले नाल के वकास दे हवाले नाल जी ईदी दे हवाले नाल ईदी दे हवाले नाल ईद ते सुन्नत इब्राहिमी है अल्लाह ताला आरी की उस तरीके नाल ईद मनाण दी तौफीक अता करे सर नाल खुरम बशीर खान बैठे थे जनाब क्या हाल है जी ठीक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह तुसी के करदे हो मैं प्रॉपर्टी दे ही बिजनेस नाल मतलब के तालुक अपने इलाके नाल साडी जुबान नाल बढ़ाई रखा है माशाल्लाह बहुत अच्छा तुसां दा चैनल है तुसां दा खासकर प्रोग्राम डेडी प्रोग्राम जड़ा बड़ा पसंद है और ये मामा स्वाति जड़ा ना इना सैण दे साडे दिल दे बड़े करीब ने इना सैण दे बहुत अच्छी तरह जी अच्छा करीब तो सैण दे जी हां चलो अच्छा जो करीब तो ना सैण दे नो ज्यादा अच्छीयां गल्लां नहीं करदे इसी वास्ते मैं भी चुप कर रहा चलो जनाब बहुत शुक्रिया जी जनाब इस तो पहले के आखिरी अज दा पैगाम के ना जेडे डेडी दे आ रही थोड़ा जहा इन्हों का पैगाम भी तुम तक पहुँचा छोड़ा जी आते दी रेजिडेंसी डॉक्टर विलास हाउस नंबर 4 DHQ हॉस्पिटल रोड हरिपुर TMA हरिपुर से मंजूर शुदा 2 बेडरूम्स और 3 बेडरूम्स के साथ 3 बेडरूम्स अपार्टमेंट कीमत सिर्फ 75 लाख 2 बेडरूम्स अपार्टमेंट कीमत सिर्फ 55 लाख 30% एडवांस बुकिंग के साथ हर 6 महीने के बाद 20% और 10% पोजेशन पर लिफ्ट और कुशादा पार्किंग मैन बाज़ार हरिपुर पार्क्स सब्जी मंडी DHQ हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब आपके ख्वाबों की ताबीर डॉक्टर विलास दी रेजिडेंसी DHQ रोड हरिपुर और जनाब दी रेजिडेंसी दे जिहड़े CEO जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद वकासुर रहमान जिन्हें इस डेडी का अज आर किया और डेडी बिच जात करना वेला आ गया लेकिन आखिरी एक पैगाम इन्हों को इंसान हिंद को जबान बोल नहीं रखते समझ जुलदेन खासे अरसे तो अजारे में मौजूद हैं क्या मैसेज देंगे आप मैसेज इतना ही दूंगा कि ये एक चीज़ हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट की है हरिपुर हज़ारा में और मुझे नहीं पता लेकिन मुझे यकीन है कि हज़ारा में किसी ने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया
तो इसकी जो मोड ऑफ पेमेंट हमने दी है बड़ी फ्लेक्सिबल दी है और इसकी बाकायदा ऑनरशिप है। मतलब बाज़ लोग के कंसेप्ट ये होता है कि यार हम फ्लैट लेते हैं तो इसकी ऑनरशिप नहीं होती, ये ज़मीन नहीं है, तो ये बाकायदा जो है हमारा जो लैंडमार्क प्रॉपर्टीज़ है ये रजिस्टर्ड है SECP के साथ। तो जिसकी बदौलत हम जो है अलाटमेंट लेटर देंगे, जो अलाटमेंट लेटर है वो आपकी ऑनरशिप है और उसको आप रजिस्ट्री भी कर सकते हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि हमने उन लोगों के लिए वो की है, मोस्ट प्रॉबली ओवरसीज़ लोग होते हैं जो कि फुल कैश पेमेंट नहीं दे सकते, और आपकी जो बेसिक चीज़ होती है प्रॉपर्टी में होती है आपकी लोकेशन। तो आप अगर देखें तो लोकेशन वाइज वी आर सिटिंग इन द सेंटर ऑफ सिटी, तो इस लिहाज से एक मोड ऑफ पेमेंट हमने एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं यही कहूँगा अवेल करें, वो लोग करें जिन लोगों की ख्वाहिश है कि एक अच्छी लोकेशन में अच्छे माहौल में वो अपना घर बनाए। तो बस मैं वेलकम ही कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की जनाब। तो सारे नाल गपशप उस तरह नहीं हो कि क्योंकि जाहिर है साढ़े को वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता। ईद की खास रेडी जी और यकीनन तुसा भी चंगी लगी उसी तुसा अपने टेलीविजन से देखिए। तो इसी तरह इंशाल्लाह असी तुसा दे इलाके तुसा दे ग्रां तक भी आसा। तुसा दी ख्वाहिश है साढ़े मार्केटिंग डिपार्टमेंट नाल राबता करो, और हजारे की मार्केटिंग देते हैं इरशाद खान उन्हें राबता करो, इंशाल्लाह असी तुसा दे ग्रां भी आसा। ईदी दी खुशियां बूबू मुबारक होवन। आखिर तो उही पैगाम देसा कि कदे भुल के भी तुसा अपनी फ्रिजा बेच गुरबा ते मसाकीन दा ऐसा रखे दा तो उन्हें तक पहुँचा छोड़ो। कुरबानी का फलसफा यही है वे कि उसे त्रै हिस्से तुसी करो, तो त्रै हिस्सों में एक आप रख के नो, तो एक रिश्तेदारां चा दो, तो एक जनाब गरीबां चा दो। तो गरीबां तक गोशत जरूर पहुँचना चाहिए इस वास्ते कि बहुत सारे लोग ये जो साल में सिर्फ ईदी पर ही गोशत खाते हैं, तो इस वास्ते उन्हें तक पहुँचाओ। कुरबानी जितनी आदमी देवे अल्लाह जी कुरबानियां का सिला इंसान जरूर देंदा है। आखिर ते मुनीर अवान को सा गीत सुना सा, मैं डेडी दी सारी टीम नाल तुसां कोल इजाजत चाहना। अगले हफ्ते इंशाल्लाह किसी नवे मुकाम तुसां नाल मुलाकात होसी। अल्लाह सोने दे हवाले।